इस महीने में खास तौर पर पहला अशरा जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये इम्पोर्टेंट है, अहम है, फायदामंद है, तो फिर करें क्या? एक तो जो कुछ आप रूटीन में कर रहे हैं करते रहें, अच्छे काम जिनको भी आप अच्छा काम समझ के करते हैं, और दूसरे कुछ खास चीजें भी जिनका इन दिनों में इहतमाम करना है, जिनमें नंबर वन अल्लाह ताला का जिक्र है। जिक्र तो वैसे भी हम दिन रात करते हैं, लेकिन हमारा तरीका क्या होता है? जो दिल में आता है हम करने लगते हैं। कभी सुभान अल्लाह व बिहम्दी का ख्याल आ जाता है तो वो पढ़ लेते हैं, कभी जुबान से अस्तग़फिरुल्लाह निकलने लग जाता है, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लग जाते हैं। सब अच्छा है, जो आपका दिल चाहे पढ़े, लेकिन इन 10 दिनों में खास तौर पर तकबीरात पढ़े। तकबीरात क्या है? तकबीर से है ये लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना, यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करना। अल्लाह ताला तो है ही बड़ा, हम कहें या ना कहें, हम माने या ना माने, वो तो है ही बड़ा। लेकिन उसकी बड़ाई का जब हम इजहार करते हैं तो ये बात अल्लाह ताला को पसंद है। और याद रखिए कि मोमिन की जिंदगी में जो भी खुशी का मौका आता है, नेकी का मौका आता है, तो ये खुशी और नेकी का मौका उसके अंदर गुरूर और तकबर नहीं पैदा करता। क्योंकि जैसे ये जिलहज के दिन है, इनमें जो भी नेकी आप करेंगे वो आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा फायदामंद होगी। तो इंसान जब कोई नेकी कर लेता है तो फौरन ही शैतान दिल में क्या ख्याल डालता है, तुमने तो इतना कुछ कर लिया, तुम तो बहुत नेक हो गए। जो ही ये ख्याल आए तो करे क्या, इलाज क्या हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो सबसे अजीम है, मेरी कोई बड़ाई नहीं। तो इस तरह नेकी का तकब्बुर टूट जाता है, फिर ख्याल नहीं आता कि मैंने कोई बड़ा काम किया है। तो जब भी आपके दिल में शैतान ये डालने लगे कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तो फौरन क्या कहा करें, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, मेरे लिए नहीं बड़ाई, बड़ाई तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है। इसी तरह खुशी के मौके पर आमतौर पे हम फूले नहीं समाते, फख्र गुरूर तकबर में मुबतला हो जाते हैं। बाज़ुकात लिबास के जरिए, बाज़ुकात अपने पास जो नेमतें हैं उनके जरिए हम दूसरों पर फख्र जताने लगते हैं, उनको नीचा दिखाने लगते हैं। ये चीजें भी नापसंद, ये चीजें भी नापसंदीदा है, मोमिन के अखलाक से मेल नहीं खाती। ऐसे मौके पर भी आपने देखा, जब भी ईद का दिन होता है तो हमें क्या सिखाया जाता है, तकबीरें पढ़ी जाए। तो यहाँ भी हमें इन दिनों में नेकी के जो भी मौके मिले उनकी कदरदानी के तौर पर कसरत से तकबीरें पढ़ते जाए। तकबीरें तीन तरह की मसनून हैं जो हमें रिवायात में मिलती हैं। नंबर एक, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। दूसरी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तीसरी है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। इन सब तकबीरों में जो चीज गालिब है वो क्या है, अल्लाह सबसे बड़ा है,